नमस्कार, ओम साई राम। साई समझ शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। जब अन्नदान करें तो किसी के साथ भेदभाव न करें, सभी की भूख एक जैसी होती है। साई बाबा के पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर आता था तो वे उसे कहते थे कि सब अच्छा हो जाएगा। वे सिद्ध पुरुष थे तो उन्हें वाक सिद्धि हो गई थी, उनकी कही हुई बातें सही हो जाती थी। धीरे धीरे लोग मानने लगे थे कि अगर इनका हाथ सिर पर आ जाए या ये अच्छा बोल देंगे तो वैसा ही हो जाएगा। बड़ी संख्या में लोग इन्हें घेरे रहते थे। साई बाबा का एक ही काम था, लोगों का भला करना। भलाई के बदले वे लोगों से कभी कुछ मांगते नहीं थे। उस समय वहाँ एक कुलकर्णी नाम के ज्योतिषी थे। कुलकर्णी जी भी लोगों को सुखी होने के उपाय बताया करते थे, लेकिन इस सेवा के बदले उन्हें धन मिले उनकी ऐसी इच्छा होती थी। इस कारण वे साई बाबा से असहमत थे और ईर्ष्या भी रखते थे। धीरे धीरे साई बाबा का व्यवहार देखकर वे भी उनके भक्त हो गए। एक दिन कुलकर्णी जी ने साई बाबा के सम्मान में एक भोज रखा और बाबा को आमंत्रित किया। साई बाबा ने कहा, तुम दिन भर लोगों को भोजन कराओ, मैं भी आ जाऊंगा। कुलकर्णी दिन भर भोजन कराते रहे, अच्छे अच्छे लोग आते रहे। वहाँ एक भिखारी भी आया। कुलकर्णी जी ने उस भिखारी से कहा, इन सभी के बीच से अलग हटो, मैंने अन्नक्षेत्र खोला है लेकिन भिखारियों के लिए स्थान दूसरा है। उस भिखारी ने कहा, यही दे दो, मैं यही बैठ जाऊंगा। कुलकर्णी जी ने उस भिखारी को धक्के देकर बाहर निकल दिया और कह दिया, अब तुझे यहाँ खाना नहीं मिलेगा। भोज चलते चलते रात हो गई और कुलकर्णी जी इंतजार करते रहे, लेकिन साई बाबा नहीं आए। वे रात में साई बाबा के पास पहुँचे और पूछा, आप भोज में आए नहीं? साई बाबा बोले, मैं तो आया था और वहाँ से भूखा लौट आया। ये बात सुनते ही कुलकर्णी जी को याद आया और वे बोले, कहीं आप बाबा ने कहा? हाँ, मैं वही भिखारी था। देखो भाई, जब अन्नदान करो तो भेदभाव न करे, भूख सबकी एक जैसी होती है। मैं सिर्फ यही देखने आया था कि तुम अन्नदान सेवा के लिए कर रहे हो या सेवा के लिए सिख। साई बाबा ने यह एक संदेश दिया है कि अगर हमारे पास कोई योग्यता है, धन संपत्ति है, तो उसका उपयोग अहंकार के साथ नहीं करना चाहिए। लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ओम साई राम।